होने के बाद से ही जिला प्रशासन प्रदेश में अवैध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई कर रहा है। उसी कड़ी में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ पन्ना जिले के अजयगढ़ के दहलान चौकी के पास कार्रवाई की गई, जहां एक डंपर सहित 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये मामला पन्ना जिले के अजयगढ़ रोड में ग्राम दहलान चौकी के पास का है। यहाँ एक डंपर एवं ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत का अवैध परिवहन किए जाने की सूचना मिलने पर खनिज अधिकारी अपने अमले के साथ रवाना हुए, जहाँ मौके पर लगभग आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर को रोककर कार्रवाई प्रारंभ की गई, जहाँ कुछ लोगों ने अधिकारियों पर हमला भी कर दिया। यहाँ कार्रवाई करते हुए खनिज अमले के द्वारा अवैध रेत से लोड एक डंपर और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया एवं एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध परिवहन को रोकने के लिए खनिज अमले के साथ में और होमगार्ड के सैनिक थे उनके साथ में आज जाकर के कुछ ट्रैक्टरों का ये सुनने में आया था कि अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं रेत का, तो उनको रोका गया। रोक करके सिपाही को बैठा के उसकी जब्ती बना करके और सिपाही को ट्रैक्टर में बैठा के थाने की ओर रवाना किया गया। दहलान चौकी के आसपास की घटना है, तो कुछ लोग अल्टो गाड़ी थी जिसका नंबर MP35CA2990 था, से वो 2-3 लोग आए और सिपाही को मार करके और धमका करके ट्रैक्टर खाली करके ट्रैक्टर लेकर के चले गए। मौके से ड्राइवर को पकड़ा गया और पकड़ के यहाँ ला करके चौकी सिविल लाइन में आकर के ड्राइवर को दिया गया और कुछ लोगों के नाम सामने आए जिसको अभी उस पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया। सर आरोपी की जान पहचान को ये अभी उस पर FIR दर्ज करा रहे हैं और ड्राइवर के बयान वगैरह लेने के बाद में जो भी तथ्य सामने आए। सर ये पहली घटना है कि कई बार हो चुका है? ये अभी तक तो पन्ना में अभी पहली बार ऐसा हुआ है और उसको मैं दिखाते हैं कलेक्टर सर के निर्देशन में जैसा जो निर्देश प्राप्त हो। सर और कितनी कार्रवाई होगी अभी जो अवैध ट्रैक्टर चलते हैं? एक डंपर एक पकड़ा गया है और 3 ट्रैक्टर अभी अवैध रूप से परिवहन करते हुए यहाँ चौकी में रखवा गए सुरक्षा। बहरहाल अब देखना होगा कि खनिज विभाग इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News पन्ना।